वेलकम टू प्रिया घर किचन। आज हम गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी बनाएंगे जो घर पे बनाना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही जल्दी और झटपट बनके रेडी हो जाता है बहुत ही कम सामान में। आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरा आगे का वीडियो आराम से देख सकें। अपना इंस्टेंट मसाला बना के रेडी कर लेते हैं जो हमारे गोलगप्पे पानी में और आलू के मसाले में सब में काम आने वाला है। तो सबसे पहले डालेंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून प्लेन सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने पानीपुरी मसाला लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। सो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सो हमारा स्टैंड मसाला बनके रेडी हो गया है। अपने गोलगप्पे का पानी बनाना शुरू करेंगे। आइए इसका खट्टा मीठा पानी बना के रेडी करेंगे। सबसे पहले हम मीठा पानी बनाते हैं। मीठा पानी बनाने के लिए मैंने इमली और गुड़ ले लिया है, इन्हें बॉइल कर लेंगे। इमली डाल देते हैं अपनी, गुड़ को हल्का सा हम क्रश करके डाल देंगे। एक ग्लास के करीब अपना पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसमें बॉईल आने देते हैं। सो बॉईल आ चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी मीठी चटनी भी बनके रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसे हल्का सा हम ठंडा होने देते हैं। सो सबसे पहले अपना मीठा पानी बनाएंगे। हमने एक बड़ा बाउल लिया है, एक छन्नी रखेंगे, जो हमने अपना पेस्ट रेडी करा था उसे इस पे छान लेंगे इमली का। सो हटा देते हैं, इसे एक छोटे बाउल में कर लेंगे। सो अपना मीठा पानी बनाना शुरू करेंगे। जो हमने अपनी इमली का पेस्ट छाना था उसे कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास और डाल देंगे। ये हमने 2 गिलास इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून अपना इंस्टेंट मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अपनी बूंदी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं एक बार। सो खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने धनिया पुदीने को अच्छे से वॉश कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च को अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ी सी अदरक ले ली है। इसको ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अपना मिक्सर जार ले लेंगे, धनिया डाल देते हैं, पुदीना के पत्ते, अदरक, हरी मिर्च, 1/2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेते हैं। सो हमने अपना पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अपना खट्टा पानी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सो खट्टा पानी बनाने के लिए जो हमने अपने धनिया पुदीने का पेस्ट बनाया था उसे एक बड़े बाउल में करेंगे। 3 से 4 चम्मच अपना पेस्ट बचा लेंगे। सो इसे खट्टा करने के लिए मैंने इमली का पानी ले लिया है। इमली को मैंने 1 घंटे पानी में डिप करके रखा था, देन इसे छान के इसका पानी निकाल लिया है। अपना 1/2 बाउल इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे इसे खट्टा करने के लिए। अपना 2 टेबलस्पून इंस्टेंट मसाला डाल देंगे, 2 गिलास ठंडा पानी, 6 से मिक्स कर देंगे इसे, बूंदी डाल देते हैं। सो हमारा खट्टा पानी भी बनके रेडी हो चुका है। सो देखिए गाइस, गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी बनके एकदम रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।